जनाब अजहर साहब सभा ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम के बाद इफ्तार और तनावुल एहकाम का भी एहतमाम है, आप लोग इत्मीनान से यहाँ पर तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह तमाम तर जो कैंडिडेट्स MIM के हैं वो जनता दल सेक्युलर में ज्वाइन होकर फिर उसके बाद इफ्तार और काम के एहतमाम के बाद यहाँ पर मुगल फंक्शन हॉल से आप लोग रुख्सत हो सकते हैं। मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि इत्मीनान से यहाँ पर आप लोग तशरीफ रखें। गुलबर्गा की एक तारीफ रही है, गुलबर्गा की एक तारीफ रही है कि यहां से हमेशा से हम लोगों ने कयादत को चुनकर भेजा है। आज गुलबर्गा शहर में जो खला महसूस हो रही है, जो कमी महसूस हो रही है, उसको पूर्ण करने के लिए एक वाहिद शख्सियत जो सामने उभर कर आए हैं वो है अलहाज नासिरुद्दीन उस्ताद साहब। आज आपके बीच में वो मौजूद हैं बहैसियत खायत, बहैसियत हमदर्द कौम मिल्लत, तमाम तर उम्मत मुस्लिमा के हसास मसाइल पर आवाज़ उठाने वाली वो शख्सियत आज आपके बीच में मौजूद है। और उन्हीं की क़यादत में यकीन रखते हुए MIM के कॉरपोरेशन कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं जनता दल सेक्युलर को। मैं जनाब अली अहमद साहब से, फजल तिम्मापुरी साहब से और सलाउद्दीन मुद्दतदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं। बहुत जल्द तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनकी ज्वाइनिंग होगी, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद इफ्तार के अहतमाम और तनावुल एहकाम के बाद ये जलसे का इख्तिताम होगा। मसाइल बहुत ज्यादा है, उन पर आवाज मैं सबसे पहले अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए जनाब फारूक फरहादी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहां आए और कुछ ज्यादा वक्त ना लेते हुए महज 2 से 3 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये अजीमुश्शान जॉइनिंग प्रोग्राम जो मुगल गार्डन में रखा गया है, ये फिर तारीख अपने आप को दोहराएगी। थोड़ा सा और ये 2 मिनट वेट करिए। जो हजरात पीछे खड़े हुए हैं मैं उनसे अपना गुजारिश करता हूँ चेयर पर नशीब रखें।
खड़े हुए हैं उनसे अदब से गुजारिश है कि तशरीफ फरमा। कार्रवाई का आगाज हो चुका है। जैसा कि मैं बता रहा था कि गुलबर्गा की तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है। एक ऐसे मुश्किल घड़ी के वक्त एक कायद का इंतखाब करना गुलबर्गा के मुसलमानों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने 1978 से लेकर आज तक गुलबर्गा में गुलबर्गा के लिए नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कर्नाटक के लिए कायद को मुंतखब करते आ रहे हैं। अलाज मरहूम खमरुल इस्लाम के बाद हालात ने इस कदर करवट ली कि हमें मजबूरन उनके घर में उनकी अहिल्या को जिताना पड़ा। लेकिन लेकिन आपको क्या बताऊं कि हमने सोचकर मुंतखब किया था लेकिन उनके अंदर एक मर्द के अंदर जो क़ियादत की सलाहियत होती है अब वो एक लेडीज हैं उनसे क़ियादत का बोझ ढोया ना गया। लिहाजा आज हम गुलबर्गा के अंदर एक बेबाक जवान साला खायद अलाज नासिर हुसैन उस्ताद को मुंतखब करेंगे और गुलबर्गा की क़ियादत उनके हवाले करेंगे। गुलबर्गा के अंदर पिछले 5 सालों से क़ियादत कमजोर होने की वजह से फिरका परस्त ताकतों ने क्या क्या गुल खिलाया आप और हमने अपनी आंखों से देखा। हर एक मसले पर तमाशा बनाते थे लेकिन हमारी क़ियादत कमजोर होने की वजह से और हमारे अंदर नाइंसाफियां होने की वजह से हम फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन अब वक्त आ चुका है हम उस मुश्किल काम को भी आसान बनाकर बताएंगे कि क़ियादत कैसे की जाती है और किस तरह बनाई जाती है। कनेक्ट कांग्रेस के कार्पोरेटर इंटरव्यू में बता रहे थे कि क़ियादत बनाने के लिए क्या यह इस्लामी कंट्री है। ये बात उनकी जबान से सुनकर मुझे हैरत होती है कि कार्पोरेटर तो मुंतखब हो गए लेकिन क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि क़ियादत किसे कहते हैं। क्या क़ियादत का होना इस्लामिक कंट्री होना जरूरी है। अगर आपके आप घर के जिम्मेदार हैं बड़े हैं तो आप खायद हैं घर के। क़ियादत के माने ये है कि पूरों की जिम्मेदारी लिए उनके खाने पीने की उनके रहन सहन की उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ये क़ियादत का काम है। घर का जो बड़ा होता है वो घर का खायद होता है। अभी उन्हें पता ही नहीं कि भाई खायद बनने के लिए क्या इस्लामिक कंट्री होना। अरे इतना भी नहीं मालूम कि इस्लामिक कंट्री में शहीनशाह होता है वहां कायद नहीं होता। हाँ जरी सी गफलत पे तलवार गर्दन पे आती है वहां इनको ये नहीं मालूम। खैर उनकी छोटी सी समझ उनके हद तक रहने दे। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा दीन इस्लाम हमें जो सिखाता है हर मौके पर जैसा अगर हम जमात की शक्ल में है तो हमारा एक अमीर होना चाहिए। अगर जिस जमात का अमीर नहीं होता उस जमात का अमीर शैतान होता है। ऐसे ही हमें उम्मत मुस्लिमा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता कर गए कि हम अबे जैसे कि अल्लाह के रसूल के बाद दुनिया के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुकूमत करके गए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुकूमत करके गए। ये मुसलमानों को जोड़ने वाले यानी कायदाना सलाहियत रखने वालों को बनाया गया है। ऐसे ही आज खमरुल इस्लाम के बाद हमने गुलबर्गे के अंदर 5 साल तक देखा परखा चुना लेकिन नासिर हुसैन उस्ताद के जैसा कोई नहीं मिला अभी तक।
इसलिए आज हमने फैसला किया कि हम नासिरगंज उस्ताद को खास बनाकर रहेंगे और इसके अंदर गुलबर्गा का हर मुसलमान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, ताजिर हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सबका हिस्सा लेना जरूरी है। परसों आपने देखा मुस्लिम चौक पर, उससे दो दिन पहले वही हरकत कमिश्नर ने किया था, लेकिन मैडम आए कुछ नहीं कर सके। ये हमारा जो शेर था, शेर गुलमर्गा, आग में आग डालकर बात किया कड़ा में, इसलिए इसे कियादत बोलते हैं। हाँ, जब तक खमरुल इस्लाम थे तो मुसलमान चैन सुकून से सो रहे थे, आज मुसलमान परेशान है। कोई आता है कहता है कि तुम्हारी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, तीन तल्लाक का मसला उठाया जाएगा। तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि नासिर हुसैन उस्ताद के हक में एक ऐसी मुहिम चलाए कि नासिर हुसैन उस्ताद को कामयाब करने की कोशिश करें। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया हारून फरादी साहब। जलाले बादशाही हो के हो जमहूरी तमाशा, जुदा दीन से सियासत हो जाती है, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। अभी जो आपने हारून फरादी साहब की बात सुनी, हमें सिर्फ एमएलए नहीं चाहिए, हमें शहर गुलबर्गा के लिए आज कायद चाहिए। हम लोगों ने हमेशा से कायद को चुना है और इस इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हमें कायद को असेंबली में भेजने का आजम उठाएंगे। मैं अब हैदर आदिल साहब से गुजारिश करता हूं कि यहां पर आए और दो चंद ख्यालात का यहां पर इजहार करें। नूरुद्दीन साहब जो एमआईएम के कॉन्टेस्टेंट थे पिछले इलेक्शन में, वो यहाँ पर आए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। उनके साथ साथ फैयाज शेख साहब का खैर मकदम करता हूँ और सजीद साहब का यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ। मैं जनाब अतीक बॉडी बिल्डर साहब से बहस पे तशरीफ रखना लगे।
कि भाई अगर हम इनका साथ देंगे तो हमारी नॉर्थ की सीट चली जाएगी। दोस्तों यही मौका है, अगर हम नासिर उस्ताद का साथ नहीं देंगे आने वाले इंतखाबात के अंदर, तो आने वाले दिनों के अंदर आप देख लेना हमारी नॉर्थ की सीट भी रिजर्व करके दे दी जाएगी, यसी रिजर्व हो जाएगी। ऐसे हालात के अंदर हमें कायदाना सलाहियत वाले नासिर उस्ताद जैसे लीडर की सख्त जरूरत है। हमें चाहिए कि हम ऐसे शख्स का भरपूर साथ दें जो हमारे मसाइल के अंदर आधी रात को आकर के खड़ा होता है। पिछले 5 साल के अंदर आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हालात हमारे सामने आए। CNRC के अंदर आपने देखा कि हमारे बीच में कौन खड़ा हुआ था। नासिर उस्ताद वो वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहल करते हुए CNRC के खिलाफ आवाज को उठाया। उसके बाद हिजाब का मामला आया, उसके बाद कई सारे ऐसे मामले आए। हम जानते हैं ये फिरका परस्त ताकतें अब कर्नाटक को, रियासत कर्नाटक को अपना फोकस बना चुकी है। अब वो चाहते हैं कि कर्नाटक के अंदर पूरे इस गंगा जमुना वाली तहजीब को खत्म करके एक कम्युनलिज्म वाला माहौल को तैयार करें। ऐसे माहौल को तोड़ने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन हथियार है नासिर उस्ताद की शक्ल में, एक ऐसा लीडर जो ना सिर्फ हमारी कौम को जोड़े हुए रख सकता है बल्कि पूरे शहर के अंदर अमन वाला माहौल को कायम कर सकता है। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि हमको हर बार की तरह एक नए लीडर को चुनना है। 2 बार शिकस्त होने के बावजूद नासिर उस्ताद हमारे बीच में खड़े हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपनी कौम का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लीडर का साथ देने का काम भी हमारा है कि हम आने वाले इंतखाबात के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद जैसे मुखलिस लीडर को जिता करके लाएं और आने वाले हालात में अपने कौम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद जैसे लीडर को तैयार करें। दोस्तों मेरे वालिद से मैंने कई बार 1978 का वाकया सुना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर वो जो क्या कहते हैं उसे इनकलाब बर्पा हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि अपने अंदर तब्दीली लाए। मैं इसी जिम्मन में आपको एक वाकया बताना चाहता हूं जो मैंने अपने वालिद साहब से सुना था। 1978 में एक गुलबर्गा से जो हमारे लीडर हुआ करते थे मोहम्मद अली साहब, जो ना सिर्फ गुलबर्गा के MLA थे बल्कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, पर उनका मुकाम ज़्यादातर बेंगलुरु में हुआ करता था। वैसे मौके पर गुलबर्गा के लोगों ने एक नौजवान को खड़ा किया जिसका नाम खमरुल इस्लाम था। वैसे आदमी की तायद करते हुए एक मिनिस्टर जैसे आदमी को हरा करके एक नए लीडर को खड़ा किया। आज हमारे सामने फिर से वही मामला आ गया है। हमने देखा कि पिछले 5 साल में हमारे पास जो लीडर के नाम पे जो MLA मौजूद हैं वो पिछले कई सारे मसलों में नाकाम रही हैं और उनके कोशिशें हमारी कौम के लिए किसी काम की ना रही। इसीलिए अब हमें चाहिए कि अपने लिए एक नया लीडर तैयार करें। अब मौका आ चुका है, आने वाले इंतखाबात के अंदर हम नासिर उस्ताद जैसे लीडर को अपना कायद बनाते हुए और इनकी तायद में इलेक्शन में इंशाल्लाह इनको भरपूर ताउन के साथ जिता करके लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आजम साहब। मुझे इनकी बात से एक शेर याद आ रहा है अल्लामा इकबाल साहब का, जो मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, सिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आज ज़रूरत है एक जवान को हमारी क़यादत देने का। मैं मजीद यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश महागांवकर साहब, जफर हुसैन साहब वर्किंग प्रेसिडेंट, आजम पटेल साहब और दीगर तमाम तर जिम्मेदारों से और MIM के जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्वाइन होने वाले हैं उन सभी का खैर मकदम करता हूँ। मैं अब इसके बाद
मैं इसके बाद साजिद कल्याणी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि दो कलिमात यहां पर नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हक में उनकी तायद में बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ जो मॉल गार्डन में तशरीफ़ फरमा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब सुरेश माघवर साहब, हमारे जफरुल्ला साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब और तमाम जो MIM के कैंडिडेट जो हमारे JDS में शमूलियत शमूलियत हासिल करने वाले हैं, तमाम लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है इलेक्शन के लिए। हालात दिन पर दिन आप देखते आ रहे हैं कैसी चल रही है हालात। अगर इस 2023 के इलेक्शन में अगर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को अगर हम नहीं जिताएंगे तो आने वाले दिनों में हालात बहुत बद से बदतर होने वाली है। अगर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को अगर जिता के लाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में BJP का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो सिर्फ वो है नासिर हुसैन उस्ताद साहब। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा कायद को लाए, गुलबर्गे को एक अच्छे कायद की ज़रूरत है। और जो लोग हमारे भाई जो MIM से छोड़ के JDS को आए हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज हमें बहुत हिम्मत मिली है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे कई तंजीम्स हैं जो इंशाअल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद साहब का साथ देंगे, क्योंकि साथ देने आज हमारे बीच एक हमारे जिरान साहब मेरे वार्ड नंबर 27 से मेरे साथ में कॉन्टेस्ट किए थे, आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड में और हिम्मत बढ़ चुकी है, क्योंकि जिरान भाई मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह मैं जिरान भाई हमारे एजाज इनामदार साहब दोनों तीनों मिल के इंशाल्लाह MSK मिल में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराएं। और वैसे ही मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी वार्ड से है, जो MIM से है, JDS से है, आम से है, वो लोग सब मिल के इंशाल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद साहब का साथ दो। इंशाल्लाह इस बार BJP का मुंह तो जवाब देने वाला सिर्फ नासिर हुसैन उस्ताद ही है। ये पार्टी आती है जाती है कांग्रेस से, कांग्रेस क्या है भैया, अगर क्या है कांग्रेस से सिम्बॉल से जीते। इंशाल्लाह नासिर उस्ताद की सूरत देखिए, इंशाल्लाह हर मोमेंट में डरता है भाई, उसको दे वोट। इंशाल्लाह इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को जिताना है, क्योंकि गुलबर्गे की आवाम जानती है कि अच्छा लीडर कौन है, उसको देख के वोट देती है। जैसे कि खमरुल इस्लाम के सामने मोहम्मद अली साहब थे, मोहम्मद अली साहब के सामने खमरुल इस्लाम साहब को लाए थे, उनकी जमानत जब्त करी सॉरी है ये मोहम्मद अली साहब की। मोहम्मद अली साहब ऐसे थे, उन्होंने चिट्ठी पे लिख के दिए थे KSRTC में, आज भी लोग नौकरी पे है, उनके इसमें मिसाल बनी है चली चली मोहम्मद अली को। वैसे मोहम्मद अली साहब की जमानत जब्त करी सॉरी ये आवाम। इंशाल्लाह इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को जिताएंगे और इंशाल्लाह सामने वाले की जमाना जब्त करेंगे, इंशाल्लाह ये मैं कहना चाहता हूँ। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि और जुड़ के नासिर हुसैन उस्ताद साहब का साथ देंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में BJP का मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। आज का ये तारीखी प्रोग्राम दीगर पार्टियों के सियासी अफराद उन्होंने महसूस किया, उन्होंने गौर किया कि अगर गुलबर्गा शुमाल में
दामन बनाना है, अच्छी फिक्र अच्छी सोच देना है, गुलबा का शुमार का डेवलपमेंट करना है, हक हकदार तक पहुंचाना है, खयादा सियासत के मानी समझाना है, गरीबों का बेबाओं का यतीमों का बेघरों का ख्याल रखना है, तो हमें एक मजबूत कायद की जरूरत है। तो वो अफराद जो दीगर हलकों में कॉर्पोरेटर की हैसियत से अपनी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने एक मजबूत कायद को देखा नासिर हुसैन उस्ताद की शक्ल में, तो आज उनकी खयादत में शमूलियत इख्तियार करने के लिए इस बड़े मंच पर आए हैं। और मुझे मालूम है कि अपना तालियां बजेंगे नहीं पुकारेंगे, क्योंकि रोजा लगे हुआ है। आपके रोजे के इंतजाम किए गए हैं, बेहतरीन इफ्तार का इंतजाम है, और इंशाअल्लाह करंगड़ा खजूर मौजा मौसम्बी वगैरह फूल खा के मगरिब की नमाज पढ़ के फिर उसके बाद बेहतरीन खाने का भी इंतजाम नासिर हुसैन उस्ताद और उनकी टीम ने किया, घबराने की जरूरत नहीं। अब अपने जोश का इजहार करना, अपने बलबले का इजहार करना, एक बलबाका के खजूर मुसलमान हो, ये महीना रमजान का महीना है, 313 सहाबा मैदान बद्र में आए, 313 नोट किया जाए, 313 सहाबा 17 रमजान मैदान बद्र में आए, भूखे थे प्यासे थे कमजोर थे, न हाथ में हथियार थे न मस्जिदों में पानी था, रोजे की हालत में थे, सामने 1000 का लश्कर चल रहा, 313 ने बता दिया, हको बेबाकी का आलम बुलंद किया और नारा लगाकर, ये जो कौम के लूटने वाले हैं, कौम को धोखा देने वाले हैं, कौम को फरेब में रखने वाले हैं, उनका मुंह को जवाब दिया। आज वही जवाब आपको देना है, और मैं देख रहा हूं गुलबर्गा में बहुत सारी मेंढकें कुएं से बाहर आकर कुएं की मुंडेर पे बैठकर आवाज लगा रही है। हमने, क्योंकि मैं सियासी आदमी नहीं हूं, हमने 5 साल खयादत का, 5 साल इंतखाबात के बाद मुंतखब होने के बाद असेंबली में जाकर क्या कारकर्दगी की, क्या कौन से मसाइल पे बात किया, किन इशूज पे गुफ्तगू किया, हम ये पूछ रहे हैं, तो वो मेंढक ये जवाब दे रहे हैं कि इनसे पूछो इन्हों 5 साल में क्या किया। उसके बाद से बोलते हैं, बाबा अकल नहीं है तो कौन सी, तो भी किराना दुकान में जाकर चावल की अकल खरीद को लाना, पावर में तुम है कि ये है, इख्तदार में तुम है कि ये है, इलेक्टेड तुम है कि ये है, जो इलेक्टेड है जो मुंतखब है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जहां से मुंतखब हुआ है उसकी माल का जिम्मेदार वो है, उसकी जान का जिम्मेदार वो है, उसके
उसके मामलात का जिम्मेदार वो है, उसकी माशरत का जिम्मेदार वो है, उसकी इक्तसादियात का जिम्मेदार वो है जो मुंतखब है, जो इलेक्टेड है। 5 साल तक हमने गुलबर्गा की क़यादत को देखा, आज बोलने की नौबत आ गई है। ज़ुल्मो बर्बरियत मुस्लिम चौक पर हुई थी, क्या कहा था, अंदर अंदर दुकाना रख के कारोबार करो, अंदर अंदर मशवरा मुसलमानों को, वहाँ के ताजिरों को रमज़ान में। पहले तो 2 साल कोविड के हर तबके वाला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोविड के मामले में माशियत को लेकर, कारोबार को लेकर परेशान रहा। अब जाके कहीं 2022 के बाद कारोबार वगैरह खुले हैं, गरीब खजूरें लेकर, समोसे लेकर, कचौड़ी लेकर, जो भी बैठ कर फुटपाथ पर धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, ताकि अपनी बीवी बच्चों का पेट पाला जाए, अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में लुकमा डाला जाए, उस पर भी जब जुल्म और बर्बरियत हो गई तो मुंतखब एमएलए का काम यह है कि परमिशन दिलाकर सामने वालों को, चाहे वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर हो या पुलिस कमिश्नर हो, उनको समझाया जाए, 1 महीने का मामला है, 50-60 साल से ये मामला चल रहा है, लिहाजा उसे रियायत दी जाए, गरीब तबके को कारोबार करने का मौका दिया जाए, सिर्फ 2 घंटे का कारोबार है। ये समझाने के बजाय तुम दुकानें अंदर लेके कारोबार करो, ये कोई सलूशन है? जब अजान का मसला उठा स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे अजान मत, तो उनका यही रवैया रहा, अजान कम करो, अजान कम करो। अब जब हमारे मुतालिक मसला उठेगा, वखार अशरफी साहब टोपी मत पहनो, कुर्ता लंबा मत पहनो, तब ये मैडम से पूछा गया तो उन्होंने बोलेंगे अशरफी साहब थोड़ा कुर्ता छोटा कर लो, टोपी जो है जरा पतली कर लो, ये सलूशन है? सोचो, आज ये मजबूत खालिद हमारे दरमियान है, आरएसएस बीजेपी ये हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, नफरत फैलाकर जो राजनीति की जा रही है, और गुलबर्गा में सियासी खला, सियासी जाप खमरुल इस्लाम के बाद आ गया है, उसे पुल करने के लिए अल्लाह ने हमें नासिर हुसैन उस्ताद दिया। अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, कानून के दायरे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जमहूरी हक को कैसा मनवाया जाए, हक हकदार तक कैसा पहुंचाया जाए, किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, ये बखूबी हमारा कायद नासिर जानता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम ना नासिर हुसैन उस्ताद के मुतालक नारे लगा रहे, ना मेरे मुतालक लगा रहे, अब सोचो, मैं भी रोजगार हो को इतना चीख लूँ, गल्ला बंगड़ी हो गए, तुम्हारा भी तो काम है ना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, आवाज नहीं लगे तो नहीं लगे, ऐसा तालियां बजाने क्या गए, क्योंकि शोर मचा दो, शोर ऐसा शोर मचाओ कि खमरुल इस्लाम अपनी खबर में रखा कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सादत हुसैन उस्ताद के बेटे को गुलबर्गा शुमाल की नुमाइंदगी के लिए भेजा है। क्योंकि खमरुल इस्लाम शेर कर्नाटक था, कायदे मोहतरम
40 साल तक बेबाक हायत था। कमरुल इस्लाम शेर कर्नाटक था और नासिर हुसैन उस्ताद बब्बर कर्नाटक है। शेर बब्बर सुनी ना, ये शेर बब्बर है और उसका मुजाहिरा हमने परसों मुस्लिम चौक पे देख लिया है, मुस्लिम चौक पे हमने देखा है। अब क्योंकि थोड़ा मुशावरत नहीं हुई, मशवरा नहीं हुआ, ये हमारे ये डिफीटेड कॉर्पोरेटर वगैरह भी सही मशवरा देना था। साहब भला है पेट तो संसार जगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान जगमगाता है, ये ज्वाइनिंग पीनिंग जो है अंदर मुगल गार्डन में है, लिहाजा 9:30 बजे का टेम देंगे, उसके बाद धमाल मचेंगे, होता था। अब खाली पेट में कुछ होता है, है? मेरे को तो खजूर याद आ रहे, समझ में आ रहा है। बहरहाल आइंदा से इंशाअल्लाह, क्या वैसे भी 15 दिन बचे हैं रमज़ान। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए अब ये मर्द हजरात यकीनन बाहर लोगों में मिलते हैं, कट्टों पे बैठते हैं, होटलों पे बैठते हैं, अपने दोस्त अहबाब के हलके में होते हैं, उन्हें सिर्फ गुलबर्गा नहीं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की खबर होती है, उनके पास व्हाट्सएप है, उनके पास फेसबुक है, दीगर जराए से वो मालूम करते हैं। मगर मेरी माँ बहनों, मेरी इज्जत माँ पर्दा नशीन खवातीनों, तुम्हारे पास वो साधारण नहीं है। किसी के लालच में मत आना, चावल के धोखे में मत आना, कार के धोखे में मत आना, 200 यूनिट बिजली के धोखे में मत आना, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, तुम्हारी इज्जतों से खेला जा रहा है, तुम्हारे हिजाब से खेला जा रहा है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। अब इरादा कर लेना, खुदा की कसम मैं अपनी बच्ची को पर्दे में हिजाब में पढ़ाऊंगी, क्योंकि हिजाब दिलवाने वाला अब नासिर हुसैन उस्ताद आया है। ए मेरी माओ बहनों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, गोश्त की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास हराम गोश्त की बात करने वाला नहीं, हलाल गोश्त की बात करने वाला गया है। तो लिहाजा मैं मर्द और ख़वातीन दोनों से मुल्तमिस हूँ कि इलेक्शन करीब है, 10 तारीख को, 10 मई को पोलिंग है, वोटिंग करना है। मेरी माँ बहनों, जैसा नमाजें इबादत फर्ज है, वैसा सही लीडर का इंतखाब भी फर्ज है। मैं शरीयत जानता हूँ, मुझे शरीयत ना बताई जाए, किसे ताहिर और मुताहिर को ना देखा जाए, जिसके अंदर अदल का मादा ना हो, सुलेमानी की तरफ देखे तो वो आदिल नहीं हो सकता, और जिसके अल्फाज में पूरी न मिले सिर्फ उसकी फातिहा खानी ही कर ली जाए। और जिसको सरफराजी न मिले, जिसको सरफराजी न मिले, वो अचानक माँ की गुलामी कर जाए। अबे मेरे अल्फाज के मानी ढूंढते हुए उम्र निकल जाएगी, तुझे टमाटर भी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बागबानी जानते हैं, गुलबर्गा शुमाल का गुलशन कैसा संभाला जाए, कैसा सजाया जाए। अब हमारे पास इसम ब मुसलमान नासिर है, नासिर के माने मददगार, नासिर है, और नासिर की कुव्वत मजहर का आलम नहीं, मजहर एजुकेट है, जो नबी की औलाद है, आले रसूल
इस्माइल ने मुझे पढ़ा कर इतना काबिल बनाया है, आज पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूँ। उन्हीं के वालिद की देन है, उन्हीं के वालिद का एहसान है। अरे जाब एक गैर शागिर्द को पढ़ा कर वहाँ अशरफी बना सकता है तो अपने बेटे को सच्चा कानूनदा बना दिया है। घबराने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह मेरे बाद गले में फंदा डालने वाली शख्सियत अजीजुल्लाह, जो अल्लाह का भी अजीज है, हमारा भी अजीज है, सहाफत का भी अजीज है, अब हिमाकत मत करना, वो आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अभी रईसुल खुतबा अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम विकार अशरफी साहब आपसे मुखातिब थे, उन्होंने जंगे बदर का जिक्र किया। मैं उससे आगे आपको ले जाता हूँ। रमज़ानुल मुबारक में 17 रमज़ान को जंगे बदर हुई और 22 रमज़ान को फतेह मक्का हुआ। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा। रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को जंगे बदर हुई जिसमें सहाबा की तादाद 313 थी, और जब फतेह मक्का हुआ उस वक्त सहाबा की तादाद 10,000 थी। कितनी थी? 10,000। तो ये आज की तादाद बता रही है कि हम और नासिर हुसैन उस्ताद फतेह मुबीन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा रमज़ान के महीने में हुआ है। मौलाना ने बड़ी अच्छी बात कही, इस वक्त जो मजमुआ है ये इस बात की दलील है कि फतह बिल्कुल करीब है। फतहुन इंदल्ला नसरु मिनल्लाह फतहुन करीब, फतह बिल्कुल आपके करीब है। नासिर हुसैन के बारे में जो बातें कही जा रही हैं मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नासिर हुसैन साहब की क़यादत आई है, नई क़यादत उभारनी है। मैं कहता हूं कि नासिर हुसैन की क़यादत हमेशा से रही है, वो जब से सियासत में आए उनकी क़यादत रही है, वो आज के क़ायद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद सफ़े दुआ सेकेंड लाइन के क़ायद रहे हैं। अब जब पहली सब खाली होती है तो जाहिर है दूसरी सब का कायद आगे आता है। तो अब नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत पहले से ही मौजूद है, वो हर मरहले पर उन्होंने क़यादत की है। अब रही बात उनको मजबूत बनाने वाले आप हैं, वो तो मजबूत हैं। अभी हमारे मौलाना ने कहा कि कमरुल इस्लाम शेर कर्नाटक थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कमरुल इस्लाम खुद से शेर कर्नाटक थे? जब तक आपने उनका साथ नहीं दिया वो शेर कर्नाटक नहीं थे, वो सिर्फ कमरुल इस्लाम एक MLA थे। आप जब तक किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप जब तक किसी की ताईद नहीं करेंगे तो उसमें ताकत नहीं आएगी। और अगर आप नासिर हुसैन उस्ताद को मजबूत करेंगे तो अपने आप को मजबूत करेंगे, ये बात समझने की है। और रही बात लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को शिकस्त नहीं देना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1978 में कमरुल इस्लाम ने क्या बीजेपी को शिकस्त दी थी? 1978 में कमरुल इस्लाम ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी, इसलिए दी थी कि वो कांग्रेस की जो क़यादत थी, क़यादत का मतलब कुछ और ही समझा जा रहा है। क़यादत का मतलब लीड लेने वाले को कहते हैं, लीड लेना, किसी भी मसले में लीड लेना, आगे बढ़कर उस मसले की नुमाइंदगी करना, उसको हल करना। तो उस वक्त के हालात में कमरुल इस्लाम को इसलिए आगे किया गया कि वो कांग्रेस का वजीर मुसलमानों को लीड नहीं कर रहा था। जब कमरुल इस्लाम आए तो उन्होंने खुद कांग्रेस को शिकस्त दी थी, वो खुद कांग्रेस में आ गए, जनता दल में भी रहे, ये बात लोग याद कर रहे हैं। जनता दल के MP रहकर उन्होंने पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर को टोका था, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। कायद बेबाक होना चाहिए। कमरुल इस्लाम की जो जगह खाली हो गई वो तो ऑलरेडी नासिर हुसैन उस्ताद ने पुर कर दी है, फिर क्या आप कायद की बात कर रहे हैं? कायद मौजूद है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं किस तरह से आपके मसाइल की नुमाइंदगी कर सकता हूँ।
तो आज के हालात में बहुत ज़रूरी है कि हम नासिर हुसैन उस्ताद को उसी अक्सरियत के साथ कामयाब करें जिस तरह पिछली क़यादतों को हमने किया था। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि याद रखिए, ये मौलाना रूमी का कौल है। मौलाना रूमी जो है तसव्वुफ़ की बहुत मारकतुल आला शख्सियत है। उन्होंने क्या कहा है कि 1000 काबिल इंसानों के मर जाने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ़ के साहिब इक्तदार होने से होता है। ये बात आप खुद नुकसान के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने कैसी एमएलए को आपने मुंतखब किया, आप खुद जिम्मेदार हैं। आज जो नुकसान हो रहा है आपके गलत फैसले का नतीजा है ये। इसीलिए आप याद रखिए कि काबिल बासलाहियत शख्स को जो लीड कर सकता है, क़यादत के माने ये नहीं कि नारे लगाना, जुलूस निकालना, या फिर फिरत कुरान मजीद का जलसा मुनक़िद करना, या फिर इफ्तार कराना, ये क़ायद नहीं। क़ायद वो है जो लीड करे हर मसले को। आप बताइए, क्या नासिर हुसैन उस्ताद किसी मसले में पीछे हैं? वो हर मसले में लीड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ना अहल लोगों को, और फिर मौलाना ने बहुत अच्छे अल्फाज में लोगों का जिक्र किया, मैं आपसे, उन्होंने आदिल का जिक्र बड़े खूबसूरती से किया, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में कभी आपने मोहतरमा कनीज फातिमा आपकी एमएलए से मुलाकात की? नहीं। जब भी जाना है आदिल के साथ ही वहाँ जाना पड़ता है। जब आदिल ही सब कुछ है तो कनीज फातिमा को चुनने की क्या ज़रूरत थी, आप बताइए। तो यकीनन आपके गलत फैसले की वजह से जन्म पात परस्त लोग कनीज फातिमा को एक खिलौना बनाकर, अपने मतलब का बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं आपके वोटों से। तो इसीलिए अपने वोट की अहमियत को समझिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई बीजेपी यूजेपी का डर नहीं है, असल डर हमको कांग्रेस से है। कांग्रेस को शिकस्त देना है, बीजेपी तो है ही नहीं हमारे मुकाबले में, कहाँ है बीजेपी। असल जो है हमारी दुश्मन कांग्रेस है, और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर कांग्रेस हमारी किस तरह दुश्मन है आपको बताऊंगा। लेकिन मैं यही बात कहूंगा कि कांग्रेस से कोई, बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है, वो ताकत ही नहीं है बीजेपी के पास। गुलबर्गा शुमाल में मुसलमानों के इत्तेहाद के सामने बीजेपी सिफर है। असल मुकाबला आपको हम कांग्रेस से करना है, और एक काबिल क़यादत को, बासलाहियत क़यादत को, लीड करने वाली क़यादत को आपको मुंतखब करना है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह शर्मा साहब। मैं बिला ताखिर आप लोगों के सामने फिर एक बार दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा कि इफ्तार और खाने का अहतमाम यहाँ पर है। जो मुंतज़िमीन हैं वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब नहीं बल्कि यहाँ के सभा ग्रुप के जिम्मेदार हैं, वो लोग इफ्तार और ताम करा रहे हैं। मैं अब बिला ताखिर अशफाक अहमद चुलबुल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और यहाँ पर अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनता दल सेक्युलर के एमएलए उत्तर के कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सुरेश महागांवकर साहब, और स्टेट पे तशरीफ फरमा तमाम फायदीन, सबको मेरा आज बीजेपी जो है 7% जो खत्म करी है, जिससे मेडिकल के 300-350 सीट जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के हर एक सीट जो है खत्म हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है हमारा नुकसान हो चुका है। आज हमारे जनता दल के कायदीन सदर साहब, सीएम इब्राहिम साहब और दीगर हजरत कुमार सामी साहब ने वादा किया है कि मैं हमारी हुकूमत आई तो 4% वापस लाऊंगा, और हमारा जो 10 नंबर कोर्स बंद हुआ है वो फिर से शुरू करूंगा। तो ऐसे कई अच्छे स्कीम हमारे जनता दल सेक्युलर के है, और जनता दल सेक्युलर के जबरदस्त कैंडिडेट हमारे अशरफी साहब बोले
हमरुल इस्लाम शेर है तो नासिर हुसैन शेर बब्बर है, तो वो शेर बब्बर आपके सामने मौजूद है। उनको भारी अक्सर से और डालकर कामयाब बनाइए, जिसका निशान किसान औरत है। किसान औरत पे बटन दबाइए 10 तारीख को, जिताइए और जय कुमार स्वामी को सीएम बनाइए। शुक्रिया। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसी को देखते हुए अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब के कायदाना सलाहियत को देखते हुए MIM की जानिब से तमाम तर जो कॉन्टेस्टेंट्स थे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है जनता दल सेक्युलर में, और उन्हीं के बीच में से आजम पटेल साहब जो कि वार्ड नंबर 4 के कॉन्टेस्टेंट थे वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पर आपके बीच में दो से तीन मिनट यहाँ पर आपके बीच में खिताब करेंगे। आजम पटेल साहब, आजम पटेल साहब यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं जनता दल सेक्युलर को। सुरेश महागमकर साहब के हाथों उन्होंने उनकी शाल पोशी हुई है, और ताजुद्दीन साहब उसके बाद। मैं चाहूंगा कि आजम पटेल साहब तमाम तर कैंडिडेट्स के नाम लेते हुए 2 से 3 मिनट इशारे ख्याल करें। स्टेट में फरमा नाब के कैंडिडेट अली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब और JDS के लीडर, मैं इस स्टेट में आने का मतलब यही है कि हमने 2023 में MIM से टोटल 20 कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़े हैं गुलबर्ग के अंदर। मैं सबसे पहले अजहर मुबारक साहब भी स्टेज पर आ जाए। अजहर मुबारक साहब से गुजारिश है, अहमद नाम नाम अहमद, हेलो हेलो, अनवीरप्पा बोलो नाम, हेलो अनवीरप्पा। अनवीरप्पा साहब जनता दल सेक्युलर को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ साथ अहमद केवल साहब, जिलान साहब, मोहम्मद जिलान साहब, नूर अहमद साहब, शेख मोइनुद्दीन साहब, शमसुद्दीन खतीब साहब, अजहर मुबारक साहब, मोइनुद्दीन साहब यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं जनता दल सेक्युलर को। मैं अजहर मुबारक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी टाइम पर तशरीफ लाए। एजाज अली नामदार साहब 2 दिन के बाद में अपने तमाम तर ग्रुप के साथ एक इफ्तार की दावत रखते हुए ज्वाइन करने वाले हैं। अजहर मुबारक साहब, वार्ड नंबर 28 ताजुद्दीन साहब के साथ में अशु हसन, मोहम्मद अरशदुल्ला, मोहम्मद समी अकबर, मोहम्मद रईस अहमद, मुबीन मियां, इमरान खान, मोदिन यूसुफ, नूर सैयद अहमद, नवाब खान, हबीब, मोहम्मद उस्मान उर्गोरे, बाबा मोहम्मद मुदस्सिर, टीपू, ये सभी ताजुद्दीन साहब वार्ड नंबर 28 की जानिब से ज्वाइन कर रहे हैं। आजम पटेल साहब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की गुलपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। तमाम तरह MIM के कैंडिडेट्स गुलपोशी कर रहे हैं। नासिर उस्ताद जनता दल सेक्युलर नासिर उस्ताद जनता दल सेक्युलर। अब आजम पटेल साहब MIM से जो जनता दल सेक्युलर में शामिल हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि चंद कलिमात यहां पर बोले। आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब MLA नॉट कैंडिडेट, एक काम करो, पहले गुलपुशी का कर लो, पूरा गुलपुशी का। मैं
जनता दल सेक्युलर की महिला मोर्चे की सदर गुलबर्गा नॉर्थ की उनसे गुजारिश करता हूँ नुसरत बेगम साहिबा और उनकी नायब सदस्य की वो भी डेस्क पर तशरीफ लाएं। यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद साहब गुलपोशी कर रहे हैं तमाम तरह MIM कैंडिडेट्स की। वार्ड नंबर 13 से फारूक साहब की गुलपोशी हो रही है, जरा खुला खुला हो जाए आप सभी। थोड़ा खुला खुला हो जाइए सब लोग खुलकर खुला सब लोगों को जरा नीचे जाओ भाई नीचे जाओ पूरे जरा रास्ता खोल दीजिए नीचे जाओ भाई कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मीडिया में जरा रास्ता खोल दीजिए और सभी कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद साहब और सुरेश महादेवकर साहब के आजू बाजू ठहरिए। सभी कैंडिडेट से गुजारिश है कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब के आजू बाजू आप लोग ठहरे और बाकी के लोग हट जाए पीछे। सभी MIM से शामिल होने वाले कैंडिडेट से गुजारिश है कि वो आजू बाजू ठहरे। सभी कैंडिडेट एक फोटो सेशन यहाँ पर मैं अब कृष्णा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर आए और चंद कलिमात यहाँ पर बोले। हेलो हाँ स्टेज पे तो आना ना स्टेज पे आना ना भाई चलो चलो माइक लो बंद हो गया रेड्डी साहब बुला अरे कैसा लगा है चेहरा सालों को मैं मजहर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हजर मुबारक साहब के साथ हैं वार्ड नंबर हेलो भाई माइक हो ये नहीं भाई वार्ड नंबर अजहर मुबारक साहब और जनाब मजहर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुगल फंक्शन हॉल के अंदर जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है आज सारे MIM के डिप्यूटेड कारपेंटर्स आज हमारे नासिर उस्ताद साहब का हाथ मजबूत करने के लिए आज एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। ये ले वो कैसा ये माइक हाथ में का माइक आ गया वो माइक ये हाथ का लो जी खींचते सब नहीं हो रहा जा रहा वो हाथ वाला लो वो हाथ में का हैंड माइक कहाँ है अंदर मुबारक चेक करो जा रहा हूँ बर्बाद हेलो नहीं चलो हेलो रेड्डी साहब ये मैं जनाब अजहर मुबारक साहब और मजहर साहब और सैयद अजीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नॉर्थ के अंदर मुगल फंक्शन हॉल में जो आज MIM के पूरे डिप्यूटेड कारपेंटर्स जो आज हमारे बीच ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया है आज हमारे नॉर्थ में नासिर उस्ताद साहब का कायदत मजबूत करने के लिए आज ऐतिहासिक प्रोग्राम है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा अभी इफ्तार का टाइम भी हो रहा है और बहुत सारे लीडर अभी बात करना है। मैं सिर्फ दो बात कहूंगा नॉर्थ के अंदर इस बार जनता दल का लहर बन रहा है और नासिर उस्ताद साहब का जीत तो पक्का है बोल के बोलना चाहता हूँ। आज आवाम के बीच जो नए नए कानून हमारे बीच में आए
कई सालों से हिजाब का इशू आया, अजान का इशू आया, हलाल का इशू आया, आली में 4% रिजर्वेशन का इशू आया। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों के लीडरों से, एक दिन भी आप मुसलमानों के तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं दिए। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और नासिर उस्ताद साहब के नेतृत्व में 4% रिजर्वेशन को लेके हम लोग विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट किए थे गुलमर्ग के अंदर। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आज गुलमर्ग का नाथ में अगर इस बार अगर नासिर उस्ताद साहब को आप लोग साथ नहीं देंगे, यहाँ पे बीजेपी हुकूमत करेगा बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जिताने का काम नॉर्थ के अंदर कर रहा है। कहीं लास्ट इलेक्शन में बोले जेडीएस बीजेपी का बी टीम है बोल के, आज मैं बोलना चाहता हूँ कांग्रेस बीजेपी का बी टीम है नॉर्थ के अंदर कांग्रेस पार्टी। आज मैं भी साउथ के अंदर उम्मीदवार बन रहा हूँ, मैं भी वहां पे बीजेपी वाले के साथ दत्तात्रेय पाटिल के सामने कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस बार दत्तात्रेय पाटिल को भी जरूर भेजने का मैं फैसला लिया हूँ। मैं आज बोलना चाहता हूँ, आज हमारे नासिर उस्ताद साहब हाल ही में मुस्लिम चौक के पास कमिश्नर के साथ में जो बहस हुआ है, आज देखो आवाज के लिए अगर आवाज उठाने वाला लीडर हमारे नासिर उस्ताद साहब में ताकत है। अगर इस बार अगर हम मौका गवा लेंगे गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर बीजेपी हमारे मुसलमानों के भाइयों के ऊपर नौजवानों के ऊपर रौड़ी से ये पूरे केसा बुक करने के लिए तैयार होके बैठे हो, हमारे बीच एक मजबूत कायर होना चाहिए, वो ताकत नासिर उस्ताद साहब के अंदर है। अभी सीएनआरसी हमारे बीच जिंदा है, आने वाले दिनों में सीएनआरसी के लिए आपको एक कायर मजबूत करने के लिए चाहिए और नासिर उस्ताद साहब के अंदर वो ताकत है बोल के बोला। आज कई इश्यूज हमारे बीच, आज बीजेपी जात जात में अभी यहाँ देखो पूरे जात के लीडर्स यहाँ पे आए, बीजेपी हमारे बीच जहर डालने का काम कर रहा है। आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 16 के अंदर ये प्रोग्राम है, मेरे वालदा भी यहाँ पे कार्पेट रहे, वार्ड नंबर 16 के जितने भी मेरी माँ और बहनों यहाँ पे आए, इस बार नासिर उस्ताद साहब का ताकत आपको मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी आपके बीच आके गारंटी कार्ड बता के आपको गुमराह बना रहे, गारंटी कार्ड ये फेक कार्ड है, कुछ कार्ड में दम नहीं है। ऑलरेडी नॉर्थ का सीट कांग्रेस पार्टी हार चुका है, कांग्रेस पार्टी हार चुका है। मैं बोलना चाहता हूँ आज समय कम है, टाइम कम है, आने वाले दिनों में इलेक्शन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे और हमारे को मौका मिलता है बात करने का, मेरे को जो बात करने का मौका दिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद जय कर्नाटक। मैं आजम पट बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं हमारे माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नासिर उस्ताद के खयादत में इस्लामाबाद कॉलोनी से लेकर यहाँ तक वो लोग पैदल आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जो बैठी हुई अवाम है, मैं अवाम को यह बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी 27 कारपोरेटर जीतने के बाद गुलमर्ग के अंदर मेयर नहीं बना सके, हमने 11 कारपोरेटर जीतने के बाद चार मेयर, चार डिप्टी मेयर और विंग चेयरमैन हमने बनाया, जेडीएस के 11 कारपोरेटर थे उसके अंदर। गुलमर्ग की अवाम इस बात की गवाही है, अशफाक चिपुल साहब यहाँ पे मौजूद है, 2 कारपोरेटर जेडीएस के जीतते हैं और गुलमर्ग के अंदर मेयर बनते हैं। अशफाक साहब जब इलेक्शन जीते थे जेडीएस से और अशफाक साहब यहाँ पे मेयर बने, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत बात आपको बताना चाहता हूँ। कई लीडर आपके घर पे आके झूठे बड़े बड़े वादे करेंगे, हम आपके अकाउंट में 2,000 रुपए डालेंगे, हम आपके अकाउंट में 200 बिजली माफ कराएंगे। कोई लीडर ना पैसे डालता ना बिजली माफ कराता, सीएम बनता है तो कुमार स्वामी बनता है, वो सीएम हमारा जेडीएस का है, इसकी मगर लाता है तो कुमार स्वामी साथ लाएंगे। कर्नाटक के अंदर माइनॉरिटीज के जो 4% कट करे वो भी देवेगौड़ा साहब डालते, इस बार अगर सीएम बनता है कुमार स्वामी हमारे साथ, हमने कर्नाटक के अंदर 10% माइनॉरिटीज रिजर्व करेंगे। स्किल बहुत है मेरे पास, टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा लीडर नासिर उस्ताद आपके सामने आएंगे, मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग को वादा करना पड़ेगा। इस बार हमारा जो सिंबल है किसान औरत भाड़ा देकर खड़े हुए,
हमारा जो सिंबल है किसान औरत फहरा देते खड़े हुई है, आपको बटन दबाना है किसान औरत के ऊपर, किसान औरत के ऊपर आपको बटन दबाना है। नासिरुद्दीनपुर जिता के गुलबर्ग में कायद बनाना है। यहाँ पे हर बड़े से सब अपनी जगह लीडर है, सब जगह अपने उस्ताद, अपनी जगह नासिरुद्दीन उस्ताद है। यहाँ पे जेडीएस पार्टी नासिरुद्दीन उस्ताद यहाँ पर। मैं अब MIM से शामिल सहूलियत इख्तियार किए हुए जिलान साहब से गुजारिश करता हूँ ये दो मिनट यहाँ पर बोले। एक और बात, जनता दल सेक्युलर का नाम का जो अजम है, आप लोगों के लिए 5 गैस के सिलेंडर साल को मुहैया होंगे इंशाल्लाह, और हर बड़ी खानदान की बड़ी औरत को 5,000 रुपए हर महाना हासिल होंगे इंशाल्लाह। मैं जिलानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर दो कलिमात बोले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज के इस जॉइनिंग प्रोग्राम के और जलसे के सदर और हमारे शायद नासिर हुसैन साहब गुलबर्गा नॉर्थ के जो कैंडिडेट भी थे JDS के, और डाइस तशरीफ वर्मा जितने भी जनता दल सेकुलर के जिम्मेदार हैं, और हमारे अभी अभी MIM से जितने मेरे भाई JDS में शामिल हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हम लोगों ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। लास्ट टाइम हम देखे थे मजबूरी के नाम से हम कांग्रेस का कांग्रेस को वोट दे के मेडल जीते थे, मजबूरी क्या बोले तो हम लोगों के बीच में बात फैलाई जा रही थी अगर इस बार मेडल वोट निकालेंगे तो बीजेपी जीतेंगी बोल के। इस बार हमको मजबूरी से वोट देना नहीं है, मजबूती के साथ नासिर उस्ताद को जो है ना JDS के भारी के निशान वाली औरत पे बटन दबा के इंशाल्लाह जिता के हम सब जनों को जो है ना हमारी मजबूती का जो है हमारे इतिहास का सबूत देना है गुलबर्गा के लिए और सारे कर्नाटक के लिए इंशाल्लाह। इतना बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। स्वागत। मैं नुसरत बेगम साहिबा जो जनता दल सेक्युलर के महिला वीक के सदर हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि दो मिनट यहां पर अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं वार्ड नंबर 1 के जनता दल सेक्युलर के जिम्मेदार और लीडर कैंडिडेट रहे जनाब इब्राहिम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डेस्क पर बैठे सभी लीडरों से और यहाँ पर बैठे मेरे माँ और बहनों मेरे भाइयों से सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये नासिर हुसैन उस्ताद नाम आप लोगों के लिए नया नहीं है, सब ये MLA नए रहकर भी 5 साल के लिए MLA का काम कर चुके हैं। जो मोहतरमा यहाँ पर MLA है वो MLA नहीं है, यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद MLA नए रहकर भी 5 साल से MLA से ज़्यादा काम करते आए हैं, और आप लोगों को इस बार गौरव फिक्र करके पार्टी को और पार्टियाँ तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन एक शख्सियत को देखकर आपको वोट डालना है कि आपके दुख दर्द में आपके मुसीबत के टाइम पर कारोबार बंद करने के टाइम पर आपके भाइयों को आप लोगों को रोड पर जो भी पुलिस वाले टॉर्चर कर रहे थे आप लोगों के सामने है कि कौन आपके पास आकर काम कर रहा है। मैडम 5 सालों में क्या करें वो आपके सामने बेनिफिट है, मैडम क्या करें क्या नहीं करें, और नासिर हुसैन उस्ताद क्या करें वो भी आपके सामने है। NRC का मामला था, हमारे महबस की मस्जिद का मामला था, हिजाब का मामला और आलन का मामला, हर चीज़ में नासिर हुसैन उस्ताद थे। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को हाथ को वोट देकर जिताया था लेकिन वो आपके पास अवेलेबल कभी भी नहीं थे। जो शख्स हार कर 2 बार भी आपके बीच में 5 साल से काम करते आए हैं तो इस बार इंशाल्लाह हम JDS पार्टी का साथ देंगे और JDS पार्टी को ही जिताएंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात नेक्स्ट अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं फिर से आपसे मुखातिब होंगे, काम टाइम बहुत कम रहने की वजह से मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सुरेश महागांवकर साहब जो जनता दल सेक्युलर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात को यहाँ पर रखें। नमस्ते, आदाब, सलाम अलैकुम। रमजान का महीना आप सबको मुबारक हो। हम मोहतरमा नसीम बेगम साहिबा यहाँ पर नासिर उस्ताद साहब की दिलखुशी करेंगे।
मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, मेजर कन्नड़ में बात कर लेता हूँ थोड़ा आपके सब लोगों के इजाजत से। इवत्तिन दिवस MIM ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾಸಿ ವೃತ್ತಿ ಮುಂತಾದವರೇ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಫರ್ ಭೈ ಅವರೇ, ಸಮೀರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನುಳಿದ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ದಿಯೇ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಬ್ ಔರ್ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಬ್ ಉಸ್ಕೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೆ 2% ನಿಕಾಲ್ ಕೇ ವಕೀಲ ಸಮಾಜ್ ಕೋ ದಿಯಾ ಔರ್ 2% ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕೋ ದೇಗೆ. ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಸಾಹೇಬರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವರ್ಗವಾಸದಿಂದ ಹೋಸಲ ಸಿಂಪತಿ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯಾದಂತ ಗಣೇಶ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಈ ಸಲ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಯಸಬೇಕು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಳನೋಟದಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡದಂತ ಏಕೈಕ ನಾಯಕನೆಂದರೆ ಅದು ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವತ್ತು ನೆನಪಾಗಬಾರದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಏನ್ ಸರ್ ಇನ್ನುವರೆಗೆ ನೀವು ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳೋದು. ತಾವು ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ ಇರಬೇಡಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು 100% ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2ನೇ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ರಂಜಾನ್ ಮಹಿನಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ತಾವು 2ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ.
ना तक इन सल तुम्बे समय कड़ी एर विषय कांग्रेस के बीजेपी के आगते अब और अदे बैसा स्वल्प जन कांग्रेस हाकु स्वल्प जन नासी हूसन जनता दल के हाकु आ समय बीजेपी अद्वर मध्यदिंद हूं प्रतियो जाता जनता दल हाकद्रे मात्र ಈ ಸಲ ದಂತರವ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಓಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ವಿರಾಜಿಂದು ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನಂತ ನೆನಪಾಗಬಾರದು ಈಗ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಯಭೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಜೆಡಿಎಸ್ बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश महाजंका साहब आप सभी लोग इत्मीनान से थोड़ी देर बैठ जाइए इफ्तार का मामूल इंतजाम है इत्मीनान से बैठ जाइए अभिलाष था मैं अल्हाज नाजुर हुसैन उस्ताद साहब को मधु करने से पहले ये आज के तमाम तर इंतजाम करने वाले जलसे के मुगरमा जनाब कदीर शेख से गुजारिश करता हूँ कि दो मिनट यहाँ पर इजारे डाले अस्सलाम वालेकुम नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो वाइल्ड एक शख्स हैं हम जो उनको लीडर जो चाहिए वो लीडर सिर्फ और सिर्फ नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं इनको भारी एक्सरसाइज से हम जिता के नॉर्थ का MLA बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोग अगर साथ दिए तो ये मुमकिन है मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए नासिर हुसैन उस्ताद साहब जीडीएस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश माधवकर साहब डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट भाई सैयद जफर हुसैन साहब डैस पर तशरीफ काबिल एहतराम रईस खुतबा मौलाना अब्दुल हकीम मुकारशवी साहब अजीजुल्ला शर्मा साहब आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा जिन्होंने इस प्रोग्राम को दिन रात मेहनत करके तमाम लोगों को जमा करके कामयाब किया अब्दुल खदीम साहब फयाज साहब और उनके तमाम टीम सीनियर लीडर्स मुस्तफा साहब तैयब अली याकूबी साहब समीर बागवान साहब रऊफ साहब असद साहब असद साहब की तकलीफ मेरी है माजरा चाहता हूँ बहुत वक्त की कमी की वजह से मैं आ गया हूं और मैं समझता हूं कि दुर्गा शहर के अंदर ये प्रोग्राम रहा है रमजान के मुबारक महीने हैं इफ्तार का ये जो 20 मिनट वक्त बाकी है 90% से ज्यादा लोग यहाँ पर रोजगार हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग यहाँ पर इतने मजबूती के साथ लेकर के आने वाले दिनों के अंदर गुलबर्गा शहर के अंदर एक नई खयादत को मजबूत देंगे एक नई तारीख को दर्ज करेंगे इस इरादे के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन कोशिशों को हमारी इन कार्यों फाइव मिनट क्लोज आज
का ये प्रोग्राम अब्दुल खदीर साहब और उनके तमाम जिम्मेदारों ने एक दैनिक प्रोग्राम यहाँ पर उन्होंने प्लान किया और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दूसरी कोशिश जितने लोगों को जमा करना, जितने कैंडिडेट को पार्टी में ज्वाइन करना, अपनी तरफ से पहल कर हर एक शख्स को मिलकर उन्होंने बात करके अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम गुलबर्गा शहर के एक तारीख में दर्ज होगा कि इलेक्शन के दरमियान कैंडिडेट का एक रुपए भी खर्च हुए बगैर इतना बड़ा प्रोग्राम होना, मैं समझ रहा हूँ कि सलाम है अब्दुल खदीर साहब जैसे ताजिर को, फयाज साहब जैसे ताजिरों को जो गुलबर्गा शहर के इस तारीख के इलेक्शन के अंदर अपनी एक जो है पहल करके बताए। आज मैं आपके बीच में आपका ये भाई आपसे पूछने आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। आप देख रहे हैं कि गुलबर्गा शहर के अंदर 40 साल से आपने मौका दिया, आज भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में जो गुलबर्गा शहर के अंदर सीट बची है, मगर कभी महसूस नहीं हुआ कि गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर हमारी सीट मौजूद है। क्या मामला हो रहे हैं 5 साल में? एनआरसी का मामला आया, आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुसलसिल तौर पर मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पहनों में लिबास बना रहे हैं, हमारे हिजाब पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे मंदिरों तक आ रहे हैं, हमारे अजान के मामले में सवाल उठाया जा रहा है, आज हमारी शनाख्त पर आए हैं, ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं, आज मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को निकाला गया। कर्नाटक के अंदर आप देखते हैं कुछ ही दिनों पहले मॉब लिंचिंग किया गया, हमारे एक भाई पाशा, क्या नाम उनका, इदरीस पाशा, उसको दाई कैसी के नाम पर कत्ल किया जाता है। आज मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा नफरत हमारे खिलाफ जो हमने इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे आबा अजदाद ने, हमारे उलमाए कराम ने इस मिट्टी को रंग लिया अपने खूनों से, ऐसा कोई पेड़ मौजूद नहीं था जिस पे हमारे उलमाए कराम ने अपनी जानों को कुर्बानी नहीं दी, फांसी नहीं दी गई। आज हमको पूछा जाता है कि बताओ तुम हिंदुस्तानी हो के नहीं हो, बताओ कि तुम वतन परस्त हो के नहीं हो। वो लोग हमसे पूछते हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपने घर का एक कुत्ते का बच्चा भी कुर्बान नहीं किया। ये आरएसएस के लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ मुसलमानों तुम देशभक्त हो के नहीं। आज हम कहना चाहते हैं ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान दलितों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मजहब का है, मगर कसम से अगर ये कुछ किसी का नहीं है तो ये फासिस्ट फिरका परस्त जहर रखने वाले आपका हिंदुस्तान कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का प्रीएम्बल कहता है वी पीपल, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदुस्तान के दस्तूर को बनाया तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के दस्तूर में वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी द क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया, वी द सिख्स ऑफ इंडिया नहीं कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की शनाख्त दुनिया भर में अगर कोई है तो वो है एक गुलिस्तान के माने। आज इस हिंदुस्तान के इस गुलिस्तान में इस मंच की तरह है, आज सुरेश माधव कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिंगायत भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे कट्टी संधावी सबसे पहले आकर बैठे, सुगंधी आकर बैठ गए, तमाम दलित भाई हैं, बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, आज हमारे तमाम लोगों के लीडर कौन है? HD कुमार स्वामी साहब,
उनके साथ का एक वोट भी नहीं है, मगर यहाँ पर जितने लोग हैं कुमार स्वामी साहब को इतने ज्यादा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये फिरका परस्त लोगों ने जब हिजाब के मामले में आवाज उठाई, हिजाब उठाई, तो एक कांग्रेस का लीडर भी अपनी जबान से एक लफ्ज कहने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। कांग्रेस के सदर डी के शिवकुमार साहब कहते हैं कि बात नहीं करना है, सात मुसलमान हैं, मगर हमारी बच्चियों के लिबास पर तू नहीं खोलती। सात मुसलमान हैं, कोई मुंह नहीं खोलते जब अजान का मामला आता है। सात मुस्लिम लीडर एमएलए हैं, मगर कोई जुर्रत नहीं करते। 4% मुसलमानों की रिजर्वेशन को निकाला गया, ये रिजर्वेशन दिया किसने है? बोलिए किसने दिया है रिजर्वेशन, किसने दिया है? देवेगौड़ा जी ने दिया है, जनता दल सेक्युलर ने दिया है, आज निकाला गया है। आज आपके बीच में एक तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है, एक तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है। झूठ का माहौल गरमा रहा है, अफवाहें फैलाई जाएंगी। आज लोग हिसाब पूछ रहे हैं, लोग यह नहीं बोलते कि मोहतरमा बहुत अच्छी जिम्मेदार लीडर है, मोहतरमा फाजिल है, मोहतरमा असेंबली में ऐसा किया वैसा किया, औरतों के तान से बात किया, ये बात बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। आज कोई ये नहीं बोलता कि नासिर उद्दीन अच्छा लीडर नहीं है, ऐसा नहीं है, नासिर साहब बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है नासिर साहब, मगर वोट नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? जीतते क्या नासिर भाई, जीतते क्या? देखिए सोशल मीडिया में, देखिए ये लोगों को रमजान के मुबारक महीने में 3 घंटे हालत में बैठ रहे हैं, वोट नहीं डालेंगे, क्या होगा? हम 60,000 वोट लिए, नासिर भाई 15,000 वोट लिए, बोलते बोल नासिर भाई 40,000 वोट लिए, मगर 70,000 वोट लेना है। भैया भैया, मेरी माँ और बहनों को हिसाब किताब में बहुत कच्चे हैं, 60,000 में से रख दिया उधर, रख दिया 25,000 ऑडियो नहीं आ रहा था उधर जाने का, कितने हुए 35 हुए, वो 25,000 15 में जोड़े तो कितने हुए? कितने हुए 15 में 25 जोड़े तो 40 हुए। आज का हिसाब कितना है? मैंने बोला, अल्लाह की सब महीने बोला, कांग्रेस वाले बोल रहे नासिर साहब बहुत से बस 40 लेते बोले तो तुम्हारी कितने हुए? कितने हुए उनके? 35 हो गए, हमारे 40 हो गए। आज गुलबर्गा शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन 5 सालों में किसी ने मुकाबला किया है? गल्ला करने में किसी ने मुकाबला किया है? तो एक ही आवाज, एक ही शख्स ने की है, कर्नाटक के अंदर हमारे खास एचडी कुमार स्वामी साहब, और गुलबर्गा के अंदर आपका भाई, आपका बेटा, आपका हमदर्द, आपका नासिर के सुल्तान हर मामले में आगे बढ़ के आपके लिए लड़ा है, लड़ा है नहीं लड़ा है? मेरी माँ और बहनों से पूछ रहा हूँ, लड़ा हूं कि नहीं लड़ा? आज झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, गारंटी कार्ड देने की बात की जा रही है, 2,000 रुपए देने की बात, जनता दल सेक्युलर वायदा करती है कि आपको गुलबर्गा के अंदर नहीं, कर्नाटक के अंदर जो भी जायज लोग हैं, जितने भी हो, 60-65 साल से जायज जितनी उम्र है, उनको 2,000 नहीं 5,000 रुपए की गारंटी। कितने साल में हमारी माँ और बहनों को 5 गैस के सिलेंडर फ्री? कितने 5 गैस के सिलेंडर फ्री? मोदी बोले फ्री भी दे तो भी दिए क्या? मोदी साहब बातावे कुमार अन्ना के बातें जाने किसानों का विरोध माफ कर दो, मेरे 1 साल के अंदर 14 महीने के अंदर 25,000 करोड़ रुपए माफ किए गए। आपको वायदा है कि आपके लिए सिलेंडर फ्री किए जाएंगे, मैं आपको वायदा करता हूँ, कुमार अन्ना ने वायदा किया है,
आने के 7 दिन के अंदर आपके जितने पुराने जो लोग थे उन लोगों को माफ कर रहे हैं, बोले तो डरने की जरूरत नहीं, आपको नए तरीके से 50,000 से 1,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा और पुराने लोन माफ किए जाएंगे। आपका भाई आपके बीच में वायदा करता है, मौका दीजिए आजमा के देखिए, मौका दीजिए आजमा के देखिए, एक बार मौका अगर मिलता है तो आपके लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 सवा 3 को घर बैठकर काम करने को रोजगार दिलाने का काम आपका ये भाई नासिर करेगा, आपके लिए लड़ेगा, आपको पेपर वाला बाहर निकलने की जरूरत नहीं रहेगी। आज मौका दीजिए, एक इलेक्शन है, झूठ 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 मेरे खिलाफ कितने झूठ निकल रहे हैं, कल परसों 2 दिन में ज्वाइनिंग हुई है, कहां है मौलाना नजीर, ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस में, ज्वाइनिंग हुई कितने कितने कर लाख रुपए दिए गए, 5, 6, 7, 8 आज जो है कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, नासिर उस्ताद को छोड़कर कोई जाने वाला नहीं है, मगर गोली बनाई जा रही है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख भाई सुनने में आए हैं, एक नया सर्कुलेटर चल रहा है व्हाट्सएप में, मार्केट के थोड़े चार्जर को भी बोल रहे हैं, नासिर उस्ताद को जरा फंडिंग बीजेपी से हो रही है, चंदू पैसे दे रहा, अरे भाई पहले लोगों को चंदू पाटिल और डोरे मांग को पहले अपनी पार्टी की टिकट नासिर उस्ताद के बाद अगर पैसे फंडिंग के लिए अगर आए रहते, अगर मालिक गनीमत आया रहता तो कसम से कांग्रेस मोहतरमा कड़ी स्वाधीमा तुम्हारे साथ जो 4 इंतजार हैं, जो फॉर्म को भेज रहे हैं, जो हमारी माँ और बहनों के स्किप को लूट रहे हैं, बोले वो चार लोग रामा बोलना है क्या इशारे से पिता बोल दिए, भाइयों ये इलेक्शन उन 4 गुंजेदारों को रोजगार देने के लिए नहीं, कसम से मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से इलेक्शन कीजिए, ये 4 गुंजेदार ये कहीं पर भी अपनी रोजी रोटी बना सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, मैं यकीन जानिए इन 4 गुंजेदारों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मोहतरमा को जिताना है, मोहतरमा को जिताना, आज बोलते सीट बचाना है, सीट किसकी है, सीट किसकी है, मुसलमानों की है, सेक्युलरिज्म की है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कांग्रेस की है, किसकी सीट होना आपको, मुसलमानों की सीट होना, आपके लिए लड़ने वाली सीट होना, आपके लिए आवाज उठाने वाली होना, तो क्या मौजूद है सीट, अब है मौजूद आपके लिए लड़ने वाली है सीटें, बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हिम्मत आपकी जुर्रत आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह भाई मैं 10 तारीख को एक तारीख तक होगी और इंशाल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर एक जय आपका एक भाई जीत के आएगा, आपका निशान क्या है, हमारी बहने ने बोले निशान क्या है, जेडीएस का निशान क्या है, वोट लगेगा किस पे लगेगा, वोट लगेगा जम के लगेगा, वोट लगेगा जम के लगेगा, मेरा भाला मेहनत करने वाली औरत है, उसके सर पे भाला है, घर में बैठे 10% कमीशन लेके 4 गुटेदारों को पेट पालने औरत को घर में बिठाओ, मेहनत करने वाली औरत को उससे भाड़ा है उसको आगे आने वाले जीत के लाओ, शुक्रिया खुदा। चलो 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 चलो, अरे भाई बंद करो।